भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय की आज शनिवार 25 दिसंबर को जयंती है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ था। मदन मोहन मालवीय का जन्म स्थान इलाहाबाद है। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ और माता का नाम मूना देवी था। महामना के पिता संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। मात्र 5 साल की आयु में उनके माता पिता ने उन्हें संस्कृत भाषा में प्रारंभिक शिक्षा दिलवाने के लिए पंडित हरदेव धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में भर्ती किया। महामाना ने वहां से प्राइमरी परीक्षा पास की। विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों से होते हुए उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। यूं तो मालवीय जी का जीवन उपलब्धियों से भरा पड़ा है, लेकिन बीएचयू की स्थापना खास उपलब्धि है। ऐसे महान विभूति मालवीय जी की जयंती पूरे देश के साथ धनबाद में भी मनाई जा रही है। ब्राह्मण समाज ने दी श्रद्धांजलि। मदन मोहन मालवीय के योगदान को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार सुबह धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज धनबाद के अध्यक्ष सोमनाथ त्रिपाठी और धनबाद बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी मुख्य रूप से उपस्थित थे। वक्ताओं ने देश की आज़ादी, भारत की शिक्षा और आधुनिक भारत के निर्माण में मालवीय जी के योगदान की प्रशंसा की। कहा, मालवीय जी का पूरा जीवन देश के प्रति समर्पित था। शिक्षा के क्षेत्र में महामना का सबसे बड़ा योगदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में दुनिया के सामने आया था। उन्होंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रण लिया था जिसमें प्राचीन भारतीय परंपराओं को कायम रखते हुए देश दुनिया में हो रही तकनीकी प्रगति की भी शिक्षा दी जाए। अंततः उन्होंने अपना यह प्रण पूरा भी किया। यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और 1916 में भारत को BHU के रूप में देश को शिक्षा के क्षेत्र में एक अनमोल तोहफा दे दिया। कार्यक्रम में सत्यदेव पाठक, साधु शरण पाठक, रमेश चौबे, तारा पाठक, अजय पाठक, सुरेश मालवीय, पवन ओझा, सुरेश तिवारी आदि शामिल थे। क्या कुछ किया जा रहा है आज आप लोग के द्वारा? आज महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी प्रतिमा पर अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास परिषद धनबाद एवं अन्य ब्राह्मण समाज के सभी लोगों के द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण समाज के ही नहीं, हमारे राष्ट्र के महामना, महान शिक्षाविद, पत्रकार एवं वकील थे। उन्होंने और उनकी सोच के का प्रतिफल आज है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में घूम घूम कर राजाओं से भिक्षाटन किया, न हैदराबाद निजाम से भी लिया, दरभंगा महाराज के यहाँ भी गए। दरभंगा महाराज के यहाँ के एक बड़ी खिस्सा है कि जब भिक्षाटन में गए विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, उन्होंने 11,000 रुपये चांदी के सिक्का सोने की थाल में संकल्प करा के दिए। जब उनका मैनेजर सोने का थाल मांगने आया तब वो बताए कि महाराज ये संकल्प करके तो दान दे दिए हैं। बड़ी हंसी हुई। आज उन्हीं का दिन है कि हमारे राष्ट्र के सभी वर्ग के लोग बहुत सस्ती शिक्षा और सभी भाषाओं, सभी विषयों, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सभी उच्च शिक्षाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रहण कर रहे हैं। हम उनको सत सत नमन करते हैं, उनके चरण में सब लोग अपना शीश नवाते हैं। ऐसे महापुरुषों को हमारे समाज में उत्पत्ति हुई थी। जय हिंद, जय भारत। परिचय अपना दे। सोमनाथ त्रिपाठी, अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण विकास परिषद धनबाद।